अगर आपकी भी एलपीजी सब्सिडी नहीं आ रही तो आज ही एक काम करें, खाते में आएगी आपकी एलपीजी की धनराशि। एलपीजी सब्सिडी अगर बंद हो गई है और पिछले काफ़ी समय से वे खाते पर नहीं आ रही है तो इसमें ज़रूर कोई गड़बड़ होगी। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अधिकांश लोगों की एलपीजी सब्सिडी इस कारण से बंद है क्योंकि उन्होंने अपने आधार को एलपीजी से लिंक नहीं कराया है। अगर आप रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं और आपके बैंक खाते में एलपीजी गैस सब्सिडी का पैसा नहीं आ रहा तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इसकी वजह आपके एलपीजी कनेक्शन का आधार से लिंक नहीं होना भी हो सकता है। अगर आपके अपने एलपीजी को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो अपने बैंक खाते में सरकार एलपीजी सब्सिडी का पैसा नहीं भेजेगी। सबसे पहले अपने एलपीजी को आधार कार्ड से लिंक कराएं। सालाना 10 लाख रुपए ज़्यादा ही कमाई करने वाले लोगों को सरकार एलपीजी सिलेंडर बुक करने पर सब्सिडी नहीं देती है। अगर आप पति पत्नी दोनों काम करते हैं तो दोनों की कमाई को मिलाकर इसकी गणना की जाती है। यदि आप दोनों की कमाई 10 लाख रुपए से ज़्यादा होगी तो आप एलपीजी सब्सिडी लेने के हकदार नहीं माने जाएंगे। बता दें, अलग अलग राज्यों में एलपीजी की सब्सिडी अलग अलग है। अगर फिर भी कहीं कोई परेशानी होती है तो इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-3555 पर कॉल करें। मेरा रामपूर्णा गैस के मैनेजर आशीष टंडन ने बताया कि अधिकांश लोगों की सब्सिडी इसी कारण से रुकी हुई है। उन्होंने बताया कि जो लोग उनके पास आते हैं वो और उनका स्टाफ इस बारे में उनको जानकारी दे देते हैं और इसके बारे में मोबाइल पर मैसेज भेजकर भी बताया जाता है। अगर इसके बावजूद भी किसी एलपीजी गैस कनेक्शन धारक को कोई परेशानी आ रही है तो अपने संबंधित गैस एजेंसी डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ जाकर इसका पता लगा सकते हैं। इसी के साथ ही वे अपनी गैस एजेंसी कार्यालय से भी अपना एलपीजी कनेक्शन और आधार कार्ड को लिंक करा सकते हैं।